10 अलामत कोई आपको पसंद करता है, अगर वो आप में होगा तो आपको अपने आप में चिंगारियां निकलती हुई महसूस होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई कीमियाई अमल हो रहा है। अगर वाकई में ऐसा है तो आप अंदर ही अंदर किसी की मोहब्बत को पाल रही हैं। नफ्सियात इंसानी दिमाग को पढ़ने का फ़न है, जिससे किसी को डिकोड किया जा सकता है। किसी के जिस्मानी इशारे भी इसमें बहुत माउन साबित होते हैं। इस वीडियो में आपको 10 अलामत बताई जाएंगी। अगर ये अलामत उसमें पाई जाए, इसका मतलब वो आपको पसंद करता है। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुँच जाएगी और आपको मेरी वीडियोज को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहली अलामत, खामोश इशारे। क्या आपको कुछ महसूस होता है? क्या कभी आपने उसे अंदर से झांका कि वो आपको कैसे देखता है, कैसे आपकी हौसला अफजाई करता है, वो किस तरह आपके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करता है? तो इन बातों पर अच्छे से तवज्जो दें और उसका अमल देखें। उसके ऐसे इशारे देखें कि वो कुछ ना कह रहा हो लेकिन सब कह गया हो। इसका मतलब है कि वो आप में दिलचस्पी रखता है, पसंद करता है आपको। दूसरी अलामत, आपको छूने के बहाने ढूंढे। क्या वो आपको छूने की कोशिश करता है? क्या वो आपके कंधे पर या कहीं और हाथ रखता है? अगर ऐसा है तो ये उसकी जानिब से प्यार का इजहार है। मोहब्बत का आगाज ऐसे ही होता है। अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको लाजमी पसंद करता है। तीसरी अलामत, आपको अपने दोस्तों से मिलवाए। अगर वो आपसे प्यार करता है तो इसका तस्करा वो लाजमी अपने दोस्तों से करता होगा। और अगर वो आपको अपने दोस्तों से मिलवाता है, आपको वो मिलने का कहता है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि वो आपको पसंद करता है। चौथी अलामत, वो खुशी खुशी आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कुछ खरीद रही हैं तो वो आपकी इस खरीदारी में मदद करेगा। मुमकिन है वो रजाकाराना तौर पर आपको अच्छा दोस्त बनाने से इब्तिदा करे। अगर वो फारिग वक्त में आपसे बातें करे, अगर आपको उसमें सखावत और तवज्जो नज़र आए, अगर वो आपके आसपास रहना पसंद करे, तो ये भी पसंद की अलामत है। पांचवी अलामत, वो आपके मशागिल में दिलचस्पी ले। आपको जो भी टॉपिक या कोई चीज़ पसंद हो वो उसमें दिलचस्पी ले। जैसे अगर आप किसी गुलूकार की, टीवी शो की, आपकी पसंदीदा फिल्मों का तस्करा करे तो वो उनमें दिलचस्पी ले और आपकी पसंद की तारीफें करे, तो ये भी उसकी आप में पसंद की अलामतें हैं। छठी अलामत, वो आपकी तस्वीर खींचे। जब वो आपकी या दोनों की तस्वीर खींचना चाहे, जब वो आपकी पोस्टों को पसंद और लाइक करे, जब वो आपको वक्त दे और आपको बरा बरा करे, तो ये भी आप में उसकी पसंद की अलामतें हैं। सातवीं अलामत, वो आपके साथ प्लानिंग करे। वो आपके साथ घूमने की, डेट पर जाने की प्लानिंग करे, या आपके साथ पढ़ना चाहे, या आपको किसी काम में अपने साथ शामिल करना चाहे। जब वो बेताबी से आपके साथ कहीं जाने की जिद करे, तो ये उसकी आप में पसंद की अलामत है। आठवीं अलामत, वो आपको बहुत सारे टेक्स्ट करे। अगर वो आपको बार बार और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करे, इसका मतलब भी वाजे है कि उसका दिल आप में है। जब वो आपको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कहे, जब वो आपको टेक्स्ट का जवाब फौरन दे, इसका मतलब आप उसके दिमाग पर सवार हैं और वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। नवीं अलामत, वो आपसे बहुत सारे सवालात करे। अगर वो आपको जानने की कोशिश करे और इसके लिए आपसे सवालात करे, मकसद ऐसे सवालात के जो बाद में तफसीली तौर पर जानना चाहे, जैसे आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके जज्बात के बारे में, क्या आप उसके मुतालिक क्या सोचती हैं, क्या राय रखती हैं और आपकी उसमें कितनी दिलचस्पी है। दसवीं अलामत, वो आपके साथ रहना चाहे। अगर वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ गुजारना चाहे और अगर वो मसरूफ हो, तो इस सूरत में वो ख़ास आपके लिए वक्त निकालने की कोशिश करे। इसी तरह कभी छुट्टी कर ले और छुट्टी वाले दिन अक्सर आपके साथ हो। इन तमाम बातों का वाज़े मतलब है कि वो आपको पसंद करता है।
सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।